सत श्रीकाल जी, मैं हाँ डॉक्टर रजिंदर सिंह ते तुसी देख रहे हो पंजाब टुडे चैनल। आओ मारदे हैं अज दीआं मुख खबरां ते एक नज़र। बीते दिन पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी माता दा देहांत हो गया सी। मार्च महीने तो पटियाला दे एक प्राइवेट हस्पताल च उन्हां दा इलाज चल रहा सी, जिस दौरान उन्हां दा देहांत हो गया। राजमाता महिंदर कौर दे अंतिम संस्कार तो पहला पटियाला च आवाजाई ते जनता नूं कंट्रोल करन लई शहर च भारी पुलिस बल तैनात किए गए सन। अंतिम यात्रा लई उन्हां दी देह नूं विशेष रूप से सजाई गई गड्डी विच लिजाया गया अते दोपहर 12:45 ते मोतीबाग पैलेस तों अंतिम यात्रा शुरू हुई अते बाद दोपहर उन्हां दा अंतिम संस्कार कर दिता गया। दस्या जांदा है कि राजमाता महिंदर कौर 1947 तक पटियाला स्टेट च राज करन वाली देश की आखिरी महारानी सन। इतिहासकार दसते हैं कि राजमाता महिंदर कौर इन्नी बरकत वाली औरत सी कि उन्होंने सारा महल और परिवार एक मुट्ठी विच रखे होया सी। उन्होंने अपने शाही शहर पटियाला नाल बेहद प्यार सी। अज उन्होंने नक्शे कदम से उन्होंने नूह परनीत कौर भी चल रही है। अज उन्होंने संस्कार च शामिल होने लई हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर तो शाही परिवार विशेष तौर पर पहुंचे हुए सन। इस तो अलावा कांग्रेस पार्टी के लीडर और वर्कर भी वड्डी पद्धर से पटियाला पहुंचे और राजमाता महिंदर कौर को श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। राजमाता जी का एक बहुत लंबे अरसे से इस देश की राजनीति से लेकर समाज के अंदर बहुत बड़ा रुतबा था। बहुत सेवा की उन्होंने अपने जीवन में देश की अलग अलग जगहों पर रहकर। आज ये शोक की घड़ी में पूरा पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और उनके परिवार के पीछे बड़े ताकत से और मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरण वास्ते और हम सब लोगों को इस दुख की घड़ी में ताकत दें कि उनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर हम सब लोग चल सकें, समाज की देश की सेवा करने में अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे। इराक च लापता हुए 39 भारतीयों के मुद्दे से जिथे विरोधी धिर सरकार नूं लगातार घेर रही है, उत्थे 4 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे इराक के विदेश मंत्री इब्राहिम अल जाफरी ने हैरान करने वाला बयान दे दिता है। जाफरी का कहना है कि सानू बिल्कुल भी इसकी जानकारी नहीं है कि लापता भारतीय जिंदे हैं या मारे गए हैं। We are going to do our best, but till now, we cannot say that we are the fate of them. उधर इराक के आतंकवादियों के कब्जे चों बच निकले भारतीय ते पंजाबी नौजवान हरजीत मसीह आज भी अपने पहले वाले बयान ते कायम है। हरजीत मसीह ने दावा किया है कि इराक च फसे 39 भारतीयों नूं आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिता सी अते वह बड़ी मुश्किल नाल खुद बच के बाहर आया सी। हरजीत मसीह ने देश की सरकारां ते दोष लगाया है कि सरकार ने उसनु सच बोलने की सजा दिती है अते उस उपर झूठे केस दर्ज करा के उसनु 5 महीने तक की जेल भी करवाई है अते अजकल वह जमानत से बाहर है। उसने कहा है कि वह पिछले 3 सालों तो सच बोल रहा है पर उसनु सच बोलने का वड्डा खमियाजा भुगतना पै रहा है। पहला भी मैं कह चुका हूँ मतलब कि जेडे ही मेरे नाल दे तो मार दिते गए क्योंकि बहुत दुख हों जो मैंने गल कहना है मेरे भरा ही उन्होंने बह के रोटी खाधी ही उन्होंने घर द गल नहीं मानते कि हाँ उन्होंने मैं अपना भरा मनिया ही उन्होंने क्योंकि उन्होंने घरद मतलब उल्टा ही मेरे से इल्जाम लाता वा एजेंट शो करवाता वा परचा करवाता है पता नहीं की कुछ मैंने कह के मतलब परचा करवाया है। तो हुण कहिंदे कि सरकार कहती पई है कि हाँ वो बंदे हैगे आ पहला कहती मूसल च हुण कहती लड़ाई लगी आ जेल च बंद आ वह जेल च भी हुण कहते कि बंदे नहीं है। तो चलो मैं कहना कि जे सरकार के अंडर में बंदे है 39 तो सरकार उन्होंने वापस लिया क्योंकि मैं उन्होंने कोई दोषी नहीं है मेरे भरा है वो
तो चलो मैं झूठा पै जा तो जे मेरे भरा वा वो वापस अपने घर आ जाए। मैं जिदा हुई मेरे ना जिदा मतलब मारे गए मुंडे मैं तो उवें कह भी हाँ मुंडे मारे गए आ मैं तो उही कहता पाया पहला भी आंता ही तो हूँ भी उही कह दिया वा कि मतलब उन्होंने मेरे सामने ही मारता ही और किस्मत मेरी रब ने साथ देता कि मैं बच गया। मेरे को यही गलती हो गई आ कि मैं इतने आकर सच बोलता वा सरकार पिछले आके मैं झूठ बोलता मैनू बहुत कुछ मिलना मैनू एजेंट शो करवा के मैनू परचा मेरे करवा के कुटमार मैनू की गई आ ये कुछ मैंने मिले सरकार वालों सरकार ने मैं एक साल अपने को रखा आ जे सरकार ने अपने को एक साल रखा मैंने कुछ कुछ मैं सब कुछ पूछते रहे मैंने कि हाँ हरजीत किदा किदा उन्हें सब कुछ मेरी जानकारी ली है भी कितों रहने वाला कौन है कौन नहीं। मैं सरकार अगे यही मांग करता वा कि जे मेरे 39 वीर भरा है तो सरकार अगर मेरी हाथ जोड़ के बेनती कि वह मेरे वीर भरा वापस लैके देते हैं। मैं यही कहना कि जे 39 के परिवार आ उन्होंने भावना नाल खेडा जाए उन्होंने जो भी सच आ सच्चाई उन्होंने दसी जाए। तुहानू दस दिए कि केंद्र की मंत्री सुषमा स्वराज वालों पिछले 3 साल तो 39 भारतीयों के जिंदा होने बारे वड्डा सस्पेंस रखा जा रहा है जिसके कारण लापता हुए इन 39 भारतीयों के परिवारक मैंबरों में परेशानी और सरकार प्रति रोस का माहौल बनता जा रहा है। इतों तक कि हुण विरोधी धिर भी केंद्र सरकार को घेरन में लगी हुई है। न्यूज डेस्क तो डॉक्टर जिंदर सिंह के नाल गुरदासपुर तो बिशंबर बिटू की रिपोर्ट पंजाब टुडे। गुरु नगरी अमृतसर की पुलिस भावें लुटखोह दी वारदातों को ठल पाने वड्डे वड्डे दावे करती है पर इन दावों की उस वेले पोल खुल गई जदों दिन दहाड़े दो अणपछाते लुटेरिया ने पेट्रोल पंप कर्मचारी ने अपना निशाना बनाया। पेट्रोल पंप का कर्मचारी पंप कोल ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में पैसे जमा कराने जा रहा है कि अचानक दो बाइक सवार लुटेरे उस कोलों रुपए खो के फरार हो गए। मौके पर पहुंचे अमृतसर के DCP ने दसाया है कि बैंक कर्मचारी नारायण दास के बयान के मुताबिक वह अज बैंक में किश्त जमा कराने जा रहा है कि अचानक दो लुटेरे ने उसनों धक्का मारिया और उस कोलों रुपए खो के फरार हो गए। लुटेरिया वालों कुल 8,84,000 रुपए की लुट की गई है। पुलिस वालों इलाके लगे आसपास के CCTV कैमरे की फोटोज खंगाली जा रही है ता जो लुटेरिया बारे कोई सुराग हाथ लग सके। नाम मैं इतों कैश लैके तो नाल दे बैंक में जमा करा जा रहा ही ते तीन जने मोटरसाइकिल ते गए जिदे चो एक जना उतर के मेरे वाल आया तो बैग खोह की कोशिश की है तो मैं बैग छड़िया नहीं तो हथों भाई हो तो उन्होंने लम्मे भी पा लिया ही मैं पर किसी ने हैल्प नहीं कराई पब्लिक जो हैल्प नहीं कराई तो इन्नी देर उन्हें घुलम घुली चो खंजर कढ़िया कोई वो मेरे वार किया इतने तो कमीज पार्टी मेरी तो उस तो बाद मैं हाथ अगे किया हाथ से ही वजह तो बाद चुने इधर लिया बैग जरा फरिया मैं वो मारिया ने खंजर वो तनी टुटी के की हो बैग मेरे हथों निकल गया। उस तो बाद पीड़ित नारायण दास ने दसा है कि उसने बाइक का नंबर भी नोट किया है जो कि पुलिस नूं दे दिता गया है। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे। बीती देर रात फाजिलका फिरोजपुर रोड से स्थित पिंड बग्गे के उताड़ नजदीक हुए भयानक सड़क हादसे च फाजिलका वासी पत्रकार पवन धूड़िया और उन्हां दी पत्नी श्रीमती सुभाग्या ते लैक्चरर अशोक मदान की दर्दनाक मौत हुई है। पत्रकार पवन धूड़िया अपनी चंडीगढ़ पढ़ती बेटी नूं चंडीगढ़ छड्ड के वापस फाजिलका परत रहे सन कि पिंड बग्गे के उताड़ के नज़दीक अचानक एक बल्द उन्हां दी कार नाल टकरा गया। इस तों बाद कार बेकाबू हो गई ते एक कैंटर च जा वजी जिस कारण कार सवार तिना लोगों की मौत हो गई। मृतकों को तुरंत सरकारी अस्पताल जलालाबाद विखे लिया गया और बाद पोस्टमार्टम लिए फाजिलका भेज दिया गया। चंडीगढ़ गए थे अपने दोस्त पवन की बेटी ने छड़न वापसी से जलालाबाद क्रॉस किया तो उस बाद अगे गांह आई कोई गांह तो टक्कर वज के साइड से होए ने अगों पेंटर आता थी कोई वो घसीट के लै गया जिमें पता लगे बच्चे तो साइड की मौके पर तिना की डैथ हो गई
की काम करते अशोक मदान जी तो लैक्चरर से सबुआना स्कूल के पवन धूड़िया जी पत्रकार भी सी दैनिक सवेरा दे ते अपने उनका मेडिकल स्टोर से उन्होंने डॉक्टर डांग आई हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने मिसिज पवन की वो एच टी सी इतने प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट जॉब ते फैमिली दे मगर कौन रह गया जी हम कौन कौन मेंबर्स पवन दे फादर मदर दोवें है बजुर्ग ने बच्चे उन्होंने दो छोटे ने एक लड़की जिन्होंने छड़न गए थे कोचिंग वास्ते तो लड़का छोटा है नौवीं दसवीं पढ़ता सर कितने वापर हादसा जी ये जलालाबाद तो 5-6 किलोमीटर बार बार सरूप सिंह बस्ती के सामने की कारण बनया जी हादसे का जी कारण तो साढ़े जाने तो पहला ही कोई कारण हो गया सी पर गड्डी जदों जाने बड़ी शक्तिग्रस्त हुई भी जी आप कहने भी बहुत ज़्यादा पिसी हुई सी लाशा पिछों इन्होंने बहुत लपिया कटिया पिंड ने जरा कटिया लाशा तो फिर उसने जी कार्रवाई आपकी की है जी। फाजिलका तो रणजीत सिंह की रिपोर्ट पंजाब टुडे। रोपड़ च डिलीवरी तो बाद महिला की मौत लई सिविल अस्पताल के डाक्टरों जिम्मेवार ठहराउंदिआं परिवारक मैंबरों ने चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे जाम कर दिता। जानकारी के मुताबिक कमलजीत कौर पत्नी चरणजीत सिंह निवासी पिंड झल्लियां खुर्द की सिविल अस्पताल से डिलीवरी की गई। उसने एक बच्ची को जन्म दिता पर महिला की ब्लीडिंग ना रुकन करके उसकी मौत हो गई। परिवारक मैंबर होर लोगों ने डाक्टर से लापरवाही का दोष लगाउंदिआं चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे जाम कर दिता। इस मौके विधायक अमरजीत सिंह संधो और विधानसभा च विरोधी धिर के नेता सुखपाल सिंह खहरा भी मौजूद सन। मौके पर पुजे SDM रूपनगर उदयदीप सिंह सिद्धू ने जिला प्रशासन को भरोसा दिता कि दोषी व्यक्तियों विरुद्ध जल्दी कार्रवाई की जाएगी। ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਟਾਂਕੇ ਤੋੜੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਕੈਚੀਆ ਪਾਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾਸ ਫੜਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਗਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਜੀ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਡੈਪਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਸ ਝੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇਹਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਡੈਰੀਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਤ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ SDM ਰੋਪੜ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ SP ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ DC ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਮੰਡੀ ਲਾਦੂਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ
उस तो उसकी कार खो गए हनेरे विच लाभ लेंदे फरार होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी देंदे जख्मी दविंदरपाल सिंह के रिश्तेदार परविंदर सिंह ने दसिया है कि दविंदरपाल सबका सरपंच 4 बजे फाजिलका के नाल लगते पिंड सलेम शाह चंडीगढ़ विखे दवाई लैन लिए जा रहा है। जब मंडी लादूका के नेड़े पहुंचा तो कुछ हथियारबंद लुटेरे ने उसकी कार सामने अपनी स्कॉर्पियो गड्डी लगा दी। दविंदरपाल वालों अपनी कार रोकन से लुटेरे ने उसकी कुटमार करनी शुरू कर दी और उसनु जख्मी कर दिता। लुटेरे जाते जाते उसकी कार भी लैके फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुँच के जाँच शुरू कर दी है। ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਹ 4 ਵਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ PGI ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਧੂਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਸਕੋਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ 5 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਕੜ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ 2 ਜਣੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਜਣੇ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਕੋਰਪੀਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੁੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ PGI ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਬਾਂਹ ਦਾ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ 20,000 ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਤੋੜ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਨੀ ਨਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਨੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਘਬਾਇਆ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਆ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।